वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री प्लस का टू रूट टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। चलिए हम देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल और यहाँ पर प्लस थ्री इंटू में एक्स इंटू वन बाई एक्स और इंटू में एक्स माइनस वन बाई एक्स कर देंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू देखिए क्या है, थ्री प्लस टू रूट टू का क्यूब और यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा, थ्री इंटू में यहाँ थ्री प्लस का टू रूट टू हो जाएगा, यही ना हो जाएगा जी। तो इसका क्यूब हम लोग निकाल लेते हैं, हो जाएगा थ्री का क्यूब प्लस का टू रूट टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू में थ्री का स्क्वायर इंटू में टू रूट टू प्लस का थ्री इंटू में थ्री इंटू में टू रूट टू का स्क्वायर। अच्छा ये प्लस थ्री थ्री जन नाइन और प्लस का सिक्स रूट टू, ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये 27 प्लस का इसका क्यूब करेंगे तो देखिए क्यूब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 रूट टू, है ना जी। यहाँ टू का क्यूब एट, रूट टू का क्यूब टू रूट टू, तो यहाँ पे 16 रूट टू आ गया। और प्लस का यहाँ पर देखिए क्या होगा, नाइन टू थ्री 27 टू 54 रूट टू, फिर अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एट और एट नाइन जाए 72 प्लस नाइन और प्लस का 6 रूट टू। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं डिजिट वाले, देखिए 27, 72 और 9 इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 81, 81 में 27 ऐड कर लेते हैं, 81 में 27 तो 108 हो गया और प्लस 16 रूट टू, 54 रूट टू और 6 रूट टू, तो ये कितना है, इन दोनों को 60 और 60 70, 76 हो जाएगा, 76 रूट टू, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है, कि 3x माइनस 2y इक्वल टू 11 और xy इक्वल टू 12। तो हमें निकालना है